किशोर कुमार और महमूद, दो लेजेंड्स, दो ऐसे कलाकार जिनको गॉड गिफ्टेड टैलेंट था, जिनका कॉमिक टाइमिंग ऊपर से वो लेकर आए थे। कुछ चीजें आप किसी को सिखा नहीं सकते। दोनों ही जितने अनप्रेडिक्टेबल कैमरे के सामने थे, उतने ही मूडी निजी जिंदगी में भी थे। दोनों की एक सुपर डुपर हिट फिल्म पड़ोसन के बारे में आज कुछ बताना है। पड़ोसन के प्रोड्यूसर थे महमूद साहब, और पड़ोसन में काम करने के लिए किशोर कुमार साहब ने दुगना पैसा मांगा था। क्यों? यही तो आज बताना है इस वीडियो में। मेरा नाम है राहुल, इट गोज लाइक RAHOUL, स्पेलिंग जरा ढंग से लिखा करिए आप लोग। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि पड़ोसन एक ओरिजिनल फिल्म नहीं थी, वो एक रीमेक थी। ओरिजिनल फिल्म थी पाशेर बाड़ी, एक बंगाली फिल्म। पाशेर बाड़ी जिसका मतलब होता है बगल वाले का घर, नेबर का घर, तो वो थी पड़ोसन की ओरिजिनल। वो फिल्म देखी थी बिमल रॉय ने 1952 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, और बिमल रॉय को वो फिल्म इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसके राइट्स खरीद लिए हिंदी में बनाने के लिए भी। लेकिन बिमल रॉय साहब बिजी हो गए, वो राइट्स उनके पास पड़े रहे, फिल्म उन्होंने नहीं बनाई। कई साल बाद जाके महमूद साहब ने पाशेर बाड़ी देखी और इतने इंप्रेस हुए कि उसे हिंदी में बनाना है, ये डिसाइड किया। और उसके बाद बिमल दा को अप्रोच किया कि मुझे इस फिल्म के हिंदी वाले राइट्स बेच दीजिए। और इस तरह से बिमल रॉय से वो राइट्स महमूद साहब के पास आए, और तब जाके पड़ोसन का श्री गणेश हुआ। अब आपको मैं थोड़ा सा चौंका दूं, हैरान कर दूं, सरप्राइज कर दूं, ये बता के कि जो ओरिजिनल बंगाली फिल्म थी पाशेर बाड़ी, उसमें गुरु यानी किशोर कुमार वाला कैरेक्टर था ही नहीं। उस कैरेक्टर को सोचा महमूद साहब ने, और फिल्म के राइटर यानी पड़ोसन के राइटर राजेंद्र किशन से बोला कि एक ऐसा कैरेक्टर तैयार करो और फिल्म में इंट्रोड्यूस करो। और जब ये कैरेक्टर महमूद साहब सोच रहे थे तो उनके दिमाग में किशोर कुमार ही थे। जब पड़ोसन की पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो गई तो महमूद साहब ने किशोरदा को अप्रोच किया, स्क्रिप्ट सुनाई। किशोरदा का एक बहुत ही मोटा रोल होने वाला था ये भी बताया, और किशोरदा से रिक्वेस्ट की कि वो फिल्म को करें और कितना पैसा लेंगे ये भी पूछा। तो किशोरदा ने कुछ सोचा और कहा कि हाँ हाँ ठीक है, मैं फिल्म करूँगा। और जहाँ तक पैसों की बात है तो एक काम करते हैं, जितना तुमने प्यार किए जा फिल्म को करने के लिए लिया था पैसा, मैं उससे दुगना पैसा लूंगा। आई एम श्योर आप इस वक्त ये सोच रहे हैं कि ये एंगल कहां से आ गया, प्यार किए जा और दुगना पैसा, व्हाट्स ऑल दिस, राइट? प्यार किए जा पड़ोसन से 2 साल पहले रिलीज हुई थी 1966 में। इस फिल्म में शशि कपूर थे लीड हीरो, उनके साथ थी मुमताज, सेकेंड लीड में थे किशोर कुमार, और एक सपोर्टिंग रोल कर रहे थे महमूद। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, प्रोड्यूस किया था श्रीधर साहब ने। जब श्रीधर ने महमूद को अप्रोच किया था तो महमूद ने इनिशियली प्यार किए जा रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन श्रीधर साहब चाहते थे कि महमूद ही वो रोल करें। तो महमूद साहब ने बहुत ही खुल के पैसा मांगा, उन्होंने जितनी उनकी रेगुलर फीस थी उससे दुगना पैसा मांगा था। इनफैक्ट वो दुगना पैसा इतना ज्यादा था कि उतना पैसा तो फिल्म के लीड हीरो शशि कपूर को भी नहीं मिल रहा था, और उतना पैसा तो फिल्म के सेकेंड हीरो किशोर कुमार को भी नहीं मिल रहा था। अब क्योंकि प्यार किए जाके डायरेक्टर प्रोड्यूसर श्रीधर साहब महमूद साहब को ही चाहते थे उस रोल में, तो जितने पैसे महमूद साहब ने मांगे थे श्रीधर जी ने उनको दे दिए। अब ये बात किशोर कुमार और शशि कपूर को उस वक्त पता नहीं चली, लेकिन बाद में जाके उनको ये बात पता चल गई। और जब ये बात पता चली तो शशि कपूर और किशोर कुमार बहुत नाराज हुए कि महमूद साहब ने मौके का फायदा उठाया और हम सबसे ज्यादा पैसा मांगा, जबकि हम इतना ज्यादा काम कर रहे हैं और वो इतना छोटा सा रोल कर रहे हैं। ये बात कहीं ना कहीं किशोर कुमार साहब ने अपने दिमाग में भी रखी, और बाद में जब महमूद साहब उनसे पड़ोसन के लिए बात करने आए
तो उन्होंने महमूद साहब को यह कहा कि मैं पड़ोसन करूंगा जरूर, लेकिन जितने पैसे तुमने प्यार किए जा के लिए लिए थे उससे दुगने पैसे मुझे चाहिए पड़ोसन के लिए। पहले तो महमूद साहब ये समझ नहीं पाए कि किशोरदा सीरियस हैं या मजाक कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही ये समझ में आ गया महमूद साहब को कि किशोरदा इज सीरियस। और फाइनली जब पड़ोसन के लिए किशोरदा ने पेपर साइन किए तो जितना पैसा महमूद साहब ने प्यार किए जा फिल्म को करने के लिए लिया था उससे दुगना पैसा उन्होंने दिया किशोरदा को पड़ोसन के लिए। पर्सनली मेरा ये मानना है कि किशोरदा ने जितने भी पैसे लिए हों लेकिन उन्होंने पाई पाई का हिसाब दिया अपने परफॉर्मेंस से पड़ोसन में। आज भी जब लोग पड़ोसन को याद करते हैं तो जो पहला चेहरा याद आता है वो है किशोर कुमार का। और ये मैं आपको बता दूं कि किशोर कुमार का परफॉर्मेंस इतना सॉलिड था पड़ोसन में कि महमूद और सुनील दत्त बहुत इनसिक्योर हो गए थे और कई पोर्शंस उन्होंने रीशूट किए थे क्योंकि उन्हें ये डर था कि जब फाइनल फिल्म रिलीज होगी तो सारा का सारा फोकस जो है वो किशोर कुमार पे चला जाएगा। सुनील दत्त साहब के भोला वाले कैरेक्टर से एक बात याद आई कि पहले महमूद साहब चाहते थे कि भोला का कैरेक्टर आर डी बर्मन करें, लेकिन आर डी बर्मन ने भूत बंगला फिल्म की थी, अगर आपको याद हो 1965 में फिल्म रिलीज हुई थी। उस फिल्म को जब उन्होंने किया तो उसके बाद उनके पिताजी सचिन देव बर्मन ने उनसे ये कहा कि तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें म्यूजिक करना है या एक्टिंग करनी है, क्योंकि अगर म्यूजिक करना है तो इसमें बहुत मन लगाना पड़ेगा, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, और अगर तुम इस तरह से एक्टिंग करते रहोगे, उछल कूद करते रहोगे और सीरियस नहीं रहोगे अपने करियर के पीछे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। टिपिकल फादर सन डायलॉग। तो उस वक्त आर डी बर्मन ने भूत बंगला रिलीज होने के बाद सचिन देव बर्मन को प्रॉमिस किया था कि अब से मैं कभी भी फिल्मों में एक्टिंग नहीं करूंगा। सो दैट वॉज द रीजन कि क्यों उन्होंने महमूद साहब को मना कर दिया कि मैं भोला का कैरेक्टर नहीं कर सकता। इस वीडियो में मैंने बात की किशोर कुमार साहब की कि कैसे उन्होंने पड़ोसन के लिए दुगना पैसा मांगा, लेकिन किशोर कुमार साहब जरूरत पड़ने पर लोगों की बहुत मदद करते थे। ये बात मैंने इस वीडियो में कही है, अगर आपने नहीं देखा इसे तो जरूर देखिएगा। और किशोर कुमार का लेट कर गाना गाना, ये अगर आपने वीडियो नहीं देखा है ये वाला, तो ये भी जरूर देखिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा।